आज हम कोणों के प्रकार सीखेंगे। आपको मालूम है कि एक कोण की दो भुजाएं होती हैं। यहाँ मैंने एक कोण बनाया है ए बी सी। भुजा बी सी है और भुजा बी ए है, शीर्ष बी है। ये बीच का भाग को हम कहते हैं कोण। बहुत तरह के कोण होते हैं, यह मैं आपको एक पंख द्वारा दिखाऊंगी। अब मेरे पास है एक पंख, इसको मैंने बीच में मोड़ लिया है। जहां से मोड़ा है वो कोण का शीर्ष है। यह एक भुजा है और यह दूसरी भुजा है। अब मैं शुरू करती हूँ इन दोनों भुजाओं को एक साथ मिलाकर। जब दोनों भुजाएं एक साथ मिली हुई हैं, तो इन दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है वो है शून्य कोण, जीरो कोण। अब धीरे धीरे हम इस भुजा को खोलेंगे और एक पूरा चक्कर दूसरी भुजा के चारों तरफ दिलाएंगे। अब जैसे जैसे मैं ये भुजा खोल रही हूँ, दूसरी भुजा से दूर ले जा रही हूँ, तो जो भुजा का कोण है वो बढ़ता जा रहा है। अब मैं 90 अंश के करीब पहुँच गई हूँ तो मैं रुक जाती हूँ। यह कोण जो बना है वो 0 अंश से ज़्यादा है और 90 अंश से कम है। इस कोण को हम कहते हैं न्यून कोण, कोण जो शून्य से अधिक और 90 अंश से कम माप का होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। और यह है एक न्यून कोण। अब इसी पंख को मैंने जब एक चौथाई चक्कर पूर्ण करा दिया, तो जो कोण बना दोनों भुजाओं के बीच में वो होता है 90 अंश। 90 अंश के कोण को हम कहते हैं समकोण। कोण का माप 90 अंश होता है। यहाँ मैंने कोण जी एच आई एक समकोण बनाया है। अब हम और आगे चलते हैं। अब समकोण के बाद मैं जब और इस भुजा को दूसरी भुजा से दूर ले जाऊंगी, तो मैं दोनों पंखों को, दोनों भुजाओं को सीधा से थोड़ा पहले ही रुक जाऊंगी। अब जो कोण बने बीच में वो समकोण से अधिक और 180 अंश से कम है। इन कोणों को हम कहते हैं अधिक कोण, कोण जो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो उनको हम अधिक कोण कहते हैं। और यह मैंने एक अधिक कोण चित्रित किया है MNP। अब हम इस पंख को एकदम आधा चक्कर पूरा देते हैं। अब जब आधा चक्कर पूरा हो जाता है तो यह दोनों भुजाएं विपरीत किरणें बनाती हैं या एक सीधी रेखा बन रही है। इस कोण को हम कहते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण 180 अंश के बराबर होता है। दो विपरीत किरणों द्वारा बनता है, या हम कह सकते हैं कि यह एक सीधी रेखा है। कोण QOR मैंने चित्रित किया है, यह ऋजु कोण है, यह एक सीधी रेखा भी है। आप OQ और OR दो विपरीत किरणें भी इसमें देख सकते हैं, और जो सीधी रेखा है वो है QR। अब मैं और मोड़ूंगी इसको, पंख को। अब जैसे ही मैं और मोड़ती हूँ तो जो कोण है
वो बढ़ता जा रहा है। अब यह कोण 180 डिग्री से ज्यादा है, अधिक है, और 360 अंश से कम है, क्योंकि मैंने पूरा चक्कर नहीं किया है। ऐसे कोणों को हम कहते हैं बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण का माप 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है। चलिए अब हम इस पंख को पूरा एक चक्कर करा देते हैं। अब फिर देखिए पंख दोनों भुजाएं एक साथ आ गई हैं। अब जब पंख पूरा एक चक्कर पूरा कर लेता है तो उस कोण को हम कहते हैं संपूर्ण कोण, और यह संपूर्ण कोण का माप होता है 360 अंश। यहां मैंने एक संपूर्ण कोण बनाया है, पूरा चक्कर लेने से भुजा को 360 अंश का कोण बन जाता है। जे ओ के संपूर्ण कोण है और यहाँ पे जे ओ के शून्य कोण है जब मैंने दोनों पंखों से शुरू किया था। अब देखते हैं हम कैसे इन सब को अप्लाई कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। एक सीधी रेखा के एक तरफ एक बिंदु पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। अब इस पंख पर जितने भी मैं कोण बनाती हूं इस तरफ, उनका जो योग है वो 180 अंश होगा। ऐसे ही दूसरी तरफ भी मैं कोण बना सकती हूं और उनका भी जो योग है वो 180 अंश होगा। ये मैंने एक चित्र द्वारा समझाने की कोशिश कर रही हूं। ए ओ बी एक सीधी रेखा है, इस पर मैंने एक बिंदु लिया है ओ। ओ पर मैंने तीन कोण बनाए हैं, कोण ए ओ सी, कोण सी ओ डी और कोण डी ओ बी। इन तीनों कोणों को अगर हम योग करें तो इनका योग जो होगा वो 180 अंश होगा। मैंने लिखा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर है 180 अंश के। ऐसे ही यही सीधी रेखा पर अगर मैं दूसरी तरफ, मैंने अब चार कोण बनाए हैं, कोण बी ओ ई, कोण ई ओ डी, कोण डी ओ सी और कोण सी ओ ए। इनको मैंने कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार भी नाम दे दिया है। अब इन चारों कोणों का योग भी 180 अंश होगा क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर है। कोण एक जमा कोण दो जमा कोण तीन जमा कोण चार का योग होगा 180 अंश। अब हम देखते हैं एक बिंदु शीर्ष पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है। यहां पर मैंने एक बिंदु लिया है ओ और इसके आसपास कोण बनाए हैं एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी, एंगल डी ओ ई एंड एंगल ई ओ ए। पांच कोण बनाए हैं, इन पांचों कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होगा, 360 अंश के बराबर होगा क्योंकि ये एक संपूर्ण कोण बनाते हैं। इन सबको अगर मैं जमा करूं तो एक संपूर्ण कोण बन रहा है। एक बिंदु शीर्ष पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहां पर मैंने एक कोण बनाया है कोण ए ओ डी जो कि 90 अंश का है। अब 90 अंश के कोण को मैंने तीन कोणों में
बांटा है, कोण ए ओ बी, कोण बी ओ सी, कोण सी ओ डी या कोण एक, कोण दो, कोण तीन। अब इन तीनों कोणों को जब मैं जमा करती हूँ तो मेरे पास आता है 90 अंश। अब इन सब कोणों का एक ही यंत्र में दिखा सकते हैं और वो यंत्र है घड़ी। घड़ी में जब सुइयां दोनों एक साथ मिली होती हैं तो या तो शून्य कोण बनता है या 360 अंश का कोण बनता है। 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ मिली हुई होती हैं तो ये शून्य कोण या संपूर्ण कोण बना रही हैं। अब अगर मैं 6 बजे पर सुइयां पहुंचाऊं तो एक सुई 12 पे होती है और एक सुई 6 पर। अब जो कोण बना रही हैं घड़ी की सुइयां वो है एक सीधी रेखा और इसको हम कहते हैं ऋजु कोण। 3 बजे घड़ी की दोनों भुजाएं एक 3 की तरफ होती है और दूसरी भुजा 12 की तरफ। अब इस स्थिति में जो कोण बना वो है 90 अंश और ये देखो कि दूसरी तरफ भी एक कोण बन रहा है, वो अलग है, उसका नाप है बृहत कोण, प्रतिवर्ती कोण। तो हम 3 बजे हमारे पास एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है और दूसरी तरफ दोनों भुजाओं के बीच में 270 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हम आते हैं पूरक कोण। दो कोणों का योग समकोण के बराबर हो तो उन कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं। अगर एक कोण 20 अंश है और दूसरा कोण 70 अंश है तो 20 अंश और 70 अंश का योग जो है वो 90 अंश होता है। तो 20 और 70 अंश के जो दो कोण हैं वो पूरक कोण हैं। संपूरक कोण, अगर दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वह दोनों कोणों को हम संपूरक कोण कहते हैं। दो कोण दे रही हूँ 130 अंश और 50 अंश, 130 जमा 50 180 अंश। तो अब ये दोनों संपूरक कोण हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।